हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम एनसीईआरटी क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में एक बटन होगा उसे प्रेस कर ले, जिससे आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके आगे होने वाले आरएएस एग्ज़ाम्स के लिए, एसआई एग्ज़ाम्स के लिए, रीट, पटवार, बनरक्षक, बनपाल, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, तो सभी को ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे आगे भी वीडियो आगे दोस्त जो आपके दोस्त हैं वे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और मैं आगे नेक्स्ट ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा यही है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा बताएं कमेंट में मुझे। इसका दोस्त आंसर होगा नागौर। व्याख्या में आपके लिए बता देता हूँ नागौर के क्यों है। नागौर में धातु के कृषि यंत्र व औजार बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो नागौर में धातु के कृषि यंत्र व औजार बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, अतः इसे धातु नगरी कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, धौलपुर का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था बताएं, कोठी। इसका आंसर है दोस्तों कोठी, कोठी के नाम से जानते थे धौलपुर को। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताएं, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है, मधु भट्ट तेलंग। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मधु भट्ट तेलंग। क्वेश्चन फोर, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन है बताएं। दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिलाएँ कौन सी हैं, अरुणा रॉय। इसका आंसर होगा दोस्तों अरुणा रॉय। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों, राजस्थान की कूवड़ पट्टी कहाँ है। राजस्थान की कूवड़ पट्टी दोस्तों कहाँ है, नागौर अजमेर में है। दोस्तों, नागौर अजमेर में कूवड़ पट्टी है। दोस्तों, जो अजमेर एवं नागौर ज़िलों में कुछ क्षेत्रों में पानी में अत्यधिक फ्लोराइड के होने के कारण वहाँ के लोगों की जो पीठ होती है वह झुक जाती है तथा दांत पीले भी हो जाते हैं। इन क्षेत्रों की पट्टी को कूवड़ पट्टी कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पर जाते हैं, आयड नदी किस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आयड जो नदी है किस नाम से जानी जाती है, इसका आंसर होगा बेड़च। क्योंकि दोस्तों, बनास की प्रमुख सहायक बेड़च नदी का जो उद्गम है उदयपुर को ही प्रारंभ में उदय सागर झील तक आयड नदी कहते हैं तथा बाद में इसे बेड़च कहा जाने लगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन पर आ जाते हैं, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। दोस्तों बताएं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नक्की झील। नक्की झील है दोस्तों जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्वेश्चन एट, जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा क्षारीय हो जाती है। निम्न क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। तो दोस्तों, कौन सी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है, उसको बढ़ाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मटर। जो मटर की फसल होती है वह मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि को अधिक करती है। क्वेश्चन नंबर टेन पर आ जाते हैं, देश में सर्वप्रथम वन नीति घोषित की गई थी। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में बताएं। 1894 इसका आंसर होगा 1894। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं बताएं, घोड़ावड़। इसका आंसर होगा दोस्तों घोड़ावड़। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके प्रदूषण द्वारा होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके प्रदूषण द्वारा होती है। इसका आंसर होगा नाइट्रेट्स। दोस्तों, इसका आंसर होगा नाइट्रेट्स। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल। इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों, उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल से। क्वेश्चन नंबर 14 में, ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल
कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका आंसर बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पाए जाते हैं, काजरी शोध संस्थान कहाँ है, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है क्वेश्चन, काजरी शोध संस्थान कहाँ है, इसका आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 16, रथ किसकी नस्ल है दोस्तों, रथ किसकी नस्ल है, भैंस, रथ है जो भैंस की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं दोस्तों, देश की सबसे लंबी जल सुरंग देवास सेकंड की लंबाई कितनी है दोस्तों बताएं, 11.05 किलोमीटर, 11.05 किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। 19, नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, 1964। 21, राजस्थान में पाया जाने वाला कोला है लिग्नाइट। 22, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी, सरस्वती नदी। 23, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। 24, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था कौन था दोस्तों, गोविंद राज। 25, देवेर का युद्ध कब हुआ, देवेर का युद्ध कब हुआ, अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1582 में हुआ।